सरकारी स्कूल की टीचर कैसे अपने पड़ोसियों के अत्याचार से है परेशान, मुंबई पुलिस से लगा रही है गुहार कि मिले उन्हें इंसाफ। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई सेंट्रल के म्युनिसिपल कॉलोनी में रहने वाली सनोबर कुरैशी और उनकी बेटी अनम कुरैशी और उनके एक 7 साल का बेटा कैसे एक अपने पड़ोसी के अत्याचार से परेशान है, उसका हम आपको घटना बताएंगे कि कैसे उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और मुंबई पुलिस से आखिरकार उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपील की है। हम सबसे पहले आपको घटने के बारे में बता दें तो 6 महीने पहले उनके पड़ोस में रहने वाले दो लोग जिनका वो नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं, महेश वाघ और विश्वनाथ लोखंडे, ये दोनों रहने आते हैं और इसी में से एक व्यक्ति लगातार जो है वो सनोबर कुरैशी जो टीचर है पेशे से उनके पीछा करता है और काफ़ी बार छेड़खानी करने की कोशिश करता है, जिसे थक हार कर और परेशान होकर के जो सनोबर कुरैशी है वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं। अब शिकायत दर्ज कराने के बाद ये इतना आग बबूला हो जाता है महेश वाघ और विश्वनाथ लोखंडे कि अपने वाइफ को ले आकर के 26 मार्च के दिन जिस वक्त इफ्तारी करते हैं ये सनोबर कुरैशी, अनम कुरैशी और उनका 7 साल का बेटा और एक उनके पिता यानी अनम कुरैशी के नाना, तो उनके साथ कैसे आकर के गाली गलौज और सीधा हाथापाई तक आ जाते हैं। और अनम कुरैशी का आरोप है कि उनकी माँ सनोबर कुरैशी का वो कपड़ा तक फाड़ देते हैं और कपड़ा फाड़ने के बाद उनके नाना को उठाकर पटक भी देते हैं। अब तमाम घटना की जो जानकारी होती है वो पुलिस स्टेशन को दी जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन का यहाँ पर आप तमाम तरीके से एंगल देखिए कि आखिर किसका दबाव या सिर्फ मुंबई पुलिस में ऐसे भ्रष्टाचारी के वजह से ही पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है और ऐसे पुलिस महकमे के लोग पुलिस के लिए दाग है कि वो लोग रोग आकर के पीड़ित जो 3 परिवार के लोग हैं वो मार भी खा रहे हैं और उल्टा उन्हीं पर मामला दर्ज हो जाता है। जी हाँ, ये मामला तब सामने आता है जब ये पूरा थकार का जब पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तब अनम कुरैशी और उनकी माँ सरकारी स्कूल की टीचर सनोबर कुरैशी वो मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाती है और वहाँ पर उनको कॉल करके उनके स्थानीय पुलिस को जानकारी दी जाती है कि इस तरीके का जो मामला आपके परिसर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन उनको वहाँ पर तब हैरानी होती है कि वहाँ पर उन्हें ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ़ मामला दर्ज हुआ है और एट्रोसिटी का ये मामला आप पर दर्ज हुआ है, जिसके बाद वहीं परिसर की जो ACP है शोभा पिसे वो लगातार उनके घर पर छापेमारी करती है और उनके घर के बाहर तमाम तरीके से हरेसमेंट करने की कोशिश करती है। अब बहरहाल ये तमाम घटना आपने सुना, अब इस पर जो पड़ोसी का अत्याचार है विश्वनाथ लोखंडे या महेश वाघ, ये दोनों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है और एक आरोप उन्होंने कोई महिला पर भी लगाया है, इस पर बहरहाल वो वही बता सकती है कि वो आखिर मामला क्या है कि वो पुराने रंजिश के चलते उन पर फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन रो रो कर कैसे अनम कुरैशी, उनकी माँ सरकारी स्कूल की टीचर सनोबर कुरैशी और तमाम जो ये घटना को लेकर वो रो रो कर के आरोप लगा रही है कि मैं सुसाइड तक कर लूँगी अगर ऐसे ही अत्याचार होता रहा। हम आपको सुनाते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या मुंबई पुलिस कमिश्नर के विवेक फंसालकर हो, उनसे क्या अपील करी है सुनिए। सनोबर फंसालकर है, मैं म्युनिसिपल ओल्डन स्कूल की टीचर हूँ और विंडल एंड म्युनिसिपल कॉलोनी मुंबई सेंट्रल पर रहती हूँ। मेरे घर में मेरे साथ मेरी बेटी जो कॉलेज पढ़ती है और बेटा जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बस हम 3 ही लोग रहते हैं। हम पर हमारे पड़ोसियों ने बहुत जुल्म किया है, इसलिए मैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे सर जी साहब और पुलिस कमिश्नर सर जी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जरा गौर से देखें, हम पर हुए जुल्म को सुने और हमारी मदद करें। मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम है अनम कुरैशी और हमारे पड़ोस में 6 महीने पहले महेश वाघ नाम का एक आदमी रहने के लिए आया और विश्वनाथ लोखंडे नाम का एक आदमी रहने के लिए आया। महेश वाघ इलेक्शन ड्यूटी पे मेरी मम्मी का पीछा करता था, उनको कमेंट्स करता था, बहुत ज्यादा उनके पीछे जाता था, रोज पीछे जाता था। उसके बाद उनकी ऑफिस चेंज हो गई, वहां पे भी पीछे जाता था, वहां पे भी कमेंट्स करता था। बहुत उसने मेरी मम्मी को परेशान किया, मेरी मम्मी ने बहुत 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 टाइम तक इग्नोर किया, लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर चला गया तो मम्मी ने मेरी पुलिस को अप्रोच किया। उसके बाद महेश वाघ ने हमारे से दुश्मनी पकड़ ली एकदम और 26 मार्च को महेश वाघ, उसकी वाइफ और विश्वनाथ लोखंडे और उसकी वाइफ, ये चारों पड़ोसी हमारे घर के बाहर आके इन्होंने, हम लोग बैठ के इफ्तार कर रहे थे रमजान के टाइम में, तो गाली गलौज की, मेरी मम्मी को मारा, उनके कपड़े फाड़े, मेरे नाना भी साथ में थे, उनको भी उठा के पटका, उनके भी साथ फिजिकल असॉल्ट किया और जाकर
पुलिस स्टेशन में हमारे अगेंस्ट एट्रोसिटी की FIR डाल दी। हम लोगों के पास CCTV फुटेज है, ये सब कुछ रुबीना सलीम खान करा रही है। हम लोग गए FIR के कराने के लिए तो पुलिस ने हमारी FIR नहीं ली, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी है। उसके बाद जब दूसरे दिन हम लोग कमिश्नर सर के पास गए तो कमिश्नर सर ने भी सीनियर सर को बोला कि इन पर एट्रोसिटी क्यों डाला है तुमने, इनके ही साथ जुल्म हुआ है और इनके ऊपर तुम लोग एट्रोसिटी डाल रहे हो। तो भी सीनियर सर ने कुछ उसका ये नहीं किया और फिर भी हमारे ऊपर एट्रोसिटी की FIR दाखिल कर दी। शोभा पिसे मैम रोज हमारे घर पर आती है स्टाफ को लेकर और रोज हमको हैरेसमेंट हो रहा है। डेली वो लोग आके हमारे घर पर पूछ रहे कहाँ गए ये लोग, बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, डेली आते। मेरी नानी और मेरा छोटा भाई वहां बहुत परेशान हो रहे। कल वो लोग हमारे घर के अंदर घुस गए, पूरे घर की उन्होंने हमारे तलाशी ली है, एक एक रूम में जाके उन्होंने तलाशी ली है। हमारे पास CCTV फुटेज है लेकिन कोई CCTV फुटेज देखने को तैयार ही नहीं है। हम कमिश्नर सर के पास गए हैं, सिर्फ उन्होंने हमारी बात सुनी। उसके बाद हम DCP सर के पास गए, ACP मैम शोभा पिसे के पास गए, एडिशनल कमिश्नर के पास गए, हम लोग सबके पास गए, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। तो हम लोग क्या करें, अभी हम लोग सुसाइड कर ले क्या? हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। हम लोग कितने दिन से घर के बाहर है, हम लोगों को घर जाने नहीं मिल रहा है, रोज पुलिस हमारे घर पर आ रही है। ये क्या हो गया मुंबई पुलिस को, हम लोग क्या करें? हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास वीडियो है फिर भी कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए, हमको तो उनकी कास्ट भी नहीं मालूम थी, तो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस कैसे लगा? FIR होते टाइम तो हमको बताया भी नहीं गया कि तुम्हारे ऊपर FIR हो रही है, और ये FIR को ये लोग ऑनलाइन डाल भी नहीं रहे हैं। और सिर्फ कमिश्नर सर के पास हम लोग गए तो हमको पता चला कि हमारे ऊपर FIR हुई। ये सब कुछ रुबीना सलीम खान करा रही है, उसकी हमारे से दुश्मनी है इसलिए वो करवा रही है दूसरों से। हम लोग बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान है, हमको नहीं समझ में आ रहा है हम लोग क्या करें, हम लोग एकदम सुसाइडल है। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है शिंदे सर से कि प्लीज आप हमारी हेल्प करें इस मामले में, हम लोग बहुत परेशान है बस। ऐसे तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं आप जल्द से फिर आ जाऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।